आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची के रिम्स के निदेशक के बंगले में कैद हैं। बीच बीच में लालू प्रसाद से उनके परिजन और शुभचिंतक मुलाकात कर उनका हालचाल जानते हैं। इसी सिलसिले में लालू प्रसाद के समधी जितेंद्र यादव ने भी उनसे मुलाकात की। जितेंद्र यादव ने लालू यादव से तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा समय तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब जितेंद्र यादव बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य अभी सामान्य है। जितेंद्र यादव ने ये भी जानकारी दी कि अभी भी डायबिटीज के कारण लालू प्रसाद को दिक्कत आ रही है। वैसे चुनावी तैयारियों पर उन्होंने बस ये कहा कि तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि मुलाकात का समय ज्यादा होने को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। ठीक लग रहा है, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं, दिन में भी चेक करी गई तो मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर कर रहे हैं प्रयास, लेकिन हाँ मुझे चेहरे से लग रहा है कि कुछ पहले से वो स्वस्थ है। सर, जो मतलब कि चुनाव को लेकर जो लालू जी से कुछ बातें हैं, या जो बिहार में चुनाव है, या फिर कोरोना की संकट और देश की स्थिति, किसान बिल भी पास हुआ सब पिछले दिनों, इन सब चीज़ों पर कुछ बातें हुई या कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बातें हुई? नहीं नहीं, हमारे को राजनीतिक विषय पर कोई बात उनसे नहीं हुई है। हम तो 3-4 महीने आते हैं मिलने के लिए, तो जब समय लेकर के उनसे आए थे कि आज मुलाकात है, तो मिल के हालचाल ही उनका पूछना था कि भाई किस तरह से कुछ चिंता व्यक्त किया आपको या कुछ उसका? नहीं, अब चिंता क्या, चिंता तो है कि वो उनका बेटा वहाँ मैदान में है और वो यहाँ पर है, बहुत बड़ी चिंता होती है, लेकिन उन्हें इतना विश्वास है कि बेटा मेहनती है और वो पूरी मेहनत के साथ में लगेगा बिहार के लोगों की सेवा करने के। सर एक सवाल है सर, सर ऐसे 5 बजे तक का होता है नियम सर, लेकिन सर काफ़ी देर तक मुलाकात रहा सर कुछ? अच्छा, 5 बजे का ही है हम लोग का, लेकिन हमारी फ्लाइट यहाँ तक अभी 8 बजे थी, वो जो 10-15 मिनट लगे तो वो सो गए थे, सो के उठे हैं, उसके बाद हम बाहर उनसे मिल करके बाहर, ऐसा कुछ नहीं कि 10-5 मिनट के लिए कोई। ठीक है। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के करिश्माई नेता हैं, चाहे समर्थक हों या विरोधी, सभी उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद करते हैं। वैसे भी विधानसभा चुनाव की वजह से आरजेडी की राजनीति और बिहार में टिकट बंटवारे का सेंटर अब रिम्स निदेशक का ये बंगला हो गया है। पंजाब केसरी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।